हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खबर मेरठ से। मेरठ से एक दर्दनाक कहानी सामने आई है। पति से तलाक के बाद एक महिला अमित नाम के एक युवक के साथ लिव इन में रहने लगी। पहले पति से महिला की एक बेटी भी थी, लेकिन बाद में पता चला कि जिसे वो अमित समझ रही थी उसका असली नाम तो शमशाद है। 4 महीने पहले शमशाद ने महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी। इस वारदात को लेकर मेरठ पे तनाव है। हिंदू युवा वाहिनी इस मामले को लव जिहाद से जोड़कर देख रही है। आपकी स्क्रीन पर एक बड़े विवाद की दो तस्वीरें हैं। एक में एक महिला है और दूसरे में आक्रोशित लोग, और इनके पीछे है एक कहानी। तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम है प्रिया। गाजियाबाद के लोनी में रहने वाली प्रिया पति से तलाक के बाद मोदी नगर में किराए पर रहने लगी। आरोप है कि शमशाद नाम के एक शख्स ने खुद को अमित गुर्जर बताकर प्रिया से दोस्ती की और उसे शादी का झांसा देकर मेरठ बुला लिया। प्रिया अपनी बेटी को लेकर अमित उर्फ शमशाद के साथ रहने लगी। बाद में प्रिया को पता चला कि जिसे वो अमित समझ रही थी दरअसल वो शमशाद है। इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या कर शव घर में ही दफना दिया। ये जानकारी मिली कि जो उसका कथित पति है उसने न केवल उस महिला को अपितु उसकी एक बेटी थी दोनों की हत्या करके उसी मकान में जिसमें सात सात सब रहते थे एक कमरे में उसको मिट्टी खोद के दफन कर दिया, गाड़ दिया है। प्रिया और उसकी बेटी की हत्या का राज कभी नहीं खुलता अगर प्रिया की सहेली चंचल नहीं होती। चंचल की शिकायत पर ही पुलिस ने छानबीन की और मां बेटी का कंकाल घर से बरामद किया, लेकिन चंचल ने पुलिस पर छानबीन के दौरान परेशान करने का आरोप भी लगाया। मेरे घर आती थी, पूछती थी कि तुम क्यों पीछे पड़ी हो, तुम बताओ तुम क्यों पीछे पड़ी हो, तुम्हें क्या लालच है, तुम्हारे पैसे हैं क्या, उसपे तुमने ठेका ठा रखा है क्या। इस वारदात को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी मचाया। आपने लड़के क्या बात की रात में, बताइए आप मुझे। मैं तो मोदीनपुर चेक काम कर रिकॉर्डिंग, मैं सब कुछ सुनाऊँ यहाँ पे क्या आपकी, कि तुम फ्री हो, इकली बैठी हो, क्या है, मैं किस मामले रिकॉर्डिंग सुनाऊँ आपकी, मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊँ पब्लिक के सामने। फिलहाल शमशाद फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जोर शोर से जुटी हुई है। हालांकि लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अगर सक्रियता दिखाई होती तो शायद यह हत्याकांड कुछ और पहले खुल गया होता।